मेरा नाम शुभम गुप्ता, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पैनिश के फेर प्रोडक्शन। आज हम रेलवे के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि अपना नोटिफिकेशन मिल सके, और एक लाइक करिए ताकि हमको एक मोटिवेटेड मिल सके। अच्छा लगता है, खुशी मिलती है एक लाइक से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ डबल लाइन का काम शुरू है, और देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी पटरियाँ नहीं बिछाई गई हैं, सब पत्थर लगाए गए हैं, और पास ही में हमारे कोचिंग डिपो बनने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि मजदूरों के लिए यहाँ पे घर बनाया जा रहा है, बहुत ही से काम चल रहा है, इसको पेंट किया गया है, और पास ही में यहाँ पे क्रेन सर्विस भी है। तो आगे हमारा वॉशिंग पिट है, वॉशिंग पिट का दूसरा एरिया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही से काम चल रहा है, और यहाँ पे एक नया कोचिंग डिपो बनने वाला है, जो वहाँ पे सर्विस होता है, जो ट्रेनों का इंजन का सर्विस होता है, यहाँ पे कोचिंग डिपो बनने वाला है बहुत जल्दी। तो देख सकते हैं कि हमारे पहला ट्रैक है और दूसरा ट्रैक यहाँ पे बनने वाला है। आगे मैं आपको और दिखाता हूँ निर्माण कार्य। और दोस्तों यहाँ पे डबल लाइन दोहरीकरण के लिए यहाँ पर खम्भे भी लगाए गए, इलेक्ट्रिक के खम्भे, जो इलेक्ट्रिक से ट्रेन हमारा चले। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिट्टी गिराया है, देखिए यहाँ पर पूरा गिट्टी का पहाड़ है, यहाँ पे निर्माण कार्य के लिए पूरे गिट्टी गिराया गया है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम यहाँ इस डबल लाइन डबल ट्रैक पर चल रहे हैं, आगे आपको सब काम निर्माण कार्य हो रहा है, आपको सब दिख रहा है, देख रहे हैं कि मैं डबल लाइन में चल रहा हूँ। बहुत जल्दी ही हमारा ये विकास के कार्य बहुत तेज गति से ख़त्म भी हो जाएगा, जब पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा तब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा अमृतपाल क्रॉसिंग जो हमारा बंद हो चुका है और अंडरग्राउंड हो चुका है, यहाँ पूरा हमारा बंद हो चुका है, और यह हमारा पहला फर्स्ट ट्रैक है, इस पर भी ट्रेनों का संचालन होता है। आगे आप देख सकते हैं कि हमारा पास ही में अंडरग्राउंड पास भी बन चुका है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पास ही में हमारा ये अंडरग्राउंड क्रॉसिंग है, बन चुका है, दोनों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा पास ही में यह अंडरग्राउंड क्रॉसिंग है, जो सड़कों के आगमन के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल सभी गाड़ियाँ और बस जो भी उनका संचालन होता है यहाँ से अंडर या अंदर संचालन पूर्ण रूप से होता है। और पास ही में देख लीजिए कि और पास ही में रघुनाथपुर जाने वाला रोड है। तो ये दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि ये जो हमारा जो रोड जाता है, यह हमारा यहाँ पर डबल ट्रैक बनेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे पास में हमारा बासडी का जाने वाला जो बीच में ट्रैक है तालाब का, वहाँ बहुत दलदली एरिया है, तो वहाँ पे भी ट्रैक बिछाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसलिए हमारे यहाँ बलिया का भी डबल ट्रैक बिच नहीं पा रहा है। बस ये बासडी और बलिया के बीच में यहाँ पर दलदली एरिया है, उसी दलदली एरिया के कारण वहाँ पर पटरियों का अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, जल्दी यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और बलिया के रेलवे के अपडेट के बारे में जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और रेलवे के ऐसे अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरे चैनल को पूरा देखिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।